आज का हमारा क्वेश्चन है, तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ये बोलता है अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए, कभी यहां पे और कभी बी पे, यहां पे। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, रेडिया इज 0.5। ठीक, यानी ये जो ये सर्कल है, दिस इज ऑफ द रेडियाई 0.5। फिर नेक्स्ट सेमी सर्कल, दिस इज 1.0। देन दिस सेमी सर्कल 1.5, एंड देन दिस सेमी सर्कल। तो इन सबके रेडियाई चेंज होते जा रहे हैं विद द ईच सेमी सर्कल, विद द ईच रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कल। अब होता है What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive? ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, क्या होगा, इसका क्या मतलब है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल क्या होगा? सर हमें SN फाइंड करने में भी, क्योंकि N भी हमें गिवन है, एंड सर हमें सर एक तरह से एपी भी हो रहा है सर, 0.5 1.0, सो 0.5 का हर किसी में वो है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल सही है। और क्या कर सकते हैं, हमारे पास एन भी है 13, सो सर वी कैन फाइंड SN, S13, लेकिन S13 किसका हम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ 13 टर्म्स का फाइंड आउट करेंगे, दिस इज क्लियर। लेकिन आप मुझे बताइए कि वो किन टर्म्स का, वो टर्म क्या होगी जिसका हम सम फाइंड आउट करेंगे? सर वो नंबर्स में सर कौन सी टर्म होगी सर? नहीं, वो हम लोग किसका सम फाइंड आउट करेंगे, 13 टर्म्स का फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो टर्म क्या होगी जिसका हम सम फाइंड आउट करेंगे? तो ये हो सकती है L1, L2, L3, L4। L1 क्या है? What is this? So 0.5 is the radii. L1 is the length of the circumference. यानी L1 is the length of this arc, length of this spiral, जो 0.5 centimeter जिसका radius है. ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे बच्चे, ये क्या है? ये एक सेमी सर्कल है. ये एक सेमी सर्कल है ऐसा. इसका हमें क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या? इस सेमी सर्कल का, नेक्स्ट सेमी सर्कल का क्या निकालेंगे? हम इस नेक्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ निकालेंगे. क्या निकालेंगे? इस नेक्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ निकालेंगे. ये वाले सेमी सर्कल का, ये आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, इसका, यानी हम इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे. उसके बाद फिर हमें इसका सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए. ये जो मेरी ग्रीन लाइन चल रही है अलोंग द थर्ड स्पाइरल, इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं. हियर रेडियाई ऑफ semicircles are given as what they are given as, they are given as 0.5 1.0 1.5 2, and so on, and also from the figure we could see length of the respective semicircles
आर एल वन एल टू एल थ्री एंड सो ऑन. हियर एल वन इज, अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल? सर 2πr. नो, इट इज हाफ ऑफ 2πr. बिकॉज आधा सर्कल है ना, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr. लेकिन ये तो सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो 2πr, हाफ ऑफ 2πr, पाई इंटू 0.5. क्या लिखेंगे हम इसको? पाई इंटू 0.5. अभी मैं ना पाई को छेड़ नहीं रहा हूं, पाई को एज इट इज ही रखूंगा. दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 एंड 2 कैंसिल, इट इज 0.5 पाई. सिमिलरली एल टू इज इक्वल्स टू 1/2 × 2 π × 1. 2 and 2 again cancel, this is pi. And L3 is equals to 1/2 × 1.5 π. Sorry, 2 × π × 1.5. Yeah, I got 2 × π × 1.5. This 2 and 2 cancel, that is equals to 1.5 π. So we see that L1, L2, L3 and so on forms an AP. Whose first term A is equals to 0.5 π, D is equals to pi minus 0.5 π, that is equals to 0.5 π, and N is equals to 13. Therefore Sn is equals to 13/2 × 2a, yani 0.5 π, plus 13 − 1 × 0.5 π. ये बन जाएगा हमारे पास Sn is equals to 13/2 × π. 2 × 0.5 होता है 1, दो आधे मिलके एक बनाते हैं तो 1 π, प्लस 12 × 0.5 π. ग्रेट, ये मेरे पास आ जाएगा Sn is equals to, आराम आराम से चलना है, एक एक स्टेप को बड़े आराम से लिखना है. दिस इज इंटू पाई प्लस 6 π. So it implies that Sn is equals to 13/2 × 7 π. अब पाई की वैल्यू यूज कर लें, Sn मेरे पास क्या आ जाएगा? 13/2 × 7 × 22/7. So we have got this 2 and this 2 cancel, 11, this 7 and this 7 cancel. So what we have got? We have got Sn is equals to 11 × 13, that is 143. This is the final answer for me, and of course it is the final answer for you. So this is the answer for us. So इसको आप देखें, समझें और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. इसके आगे आप देखते जाओ, समझो, जो चीज समझ नहीं आई वो पूछो. शाबाश. हमारे पास दिया गया है इन ए पोटैटो रेस. चलिए पढ़ते हैं. इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato. तो ये हमारा first potato is here. ये
ये हमारा फर्स्ट पोटैटो है जी, 5 मीटर की दूरी पे, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर्स अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन एज वी कुड सी. ओके, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट वन, फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट. तो पहला बार वो क्या करता है, पहली बार वो बकेट से आता है, यहां से पिक करता है, एंड देन यहां से वापिस चला जाता है. कहां वापिस चला जाता है, बकेट में पोटैटो को रखने के लिए वापिस चला जाता है. पहले वो यहां से आएगा इधर तक, यहां से वो उठाएगा, एंड देन रिवर्स बैक मारेगा, एंड देन बकेट में उसको रखने जाएगा. यानी वो डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले यहां से इधर तक आया 5 मीटर तक, फिर वापिस गया. देन नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, कहता है runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो बच्चा ये क्या कर रहा है, ये बच्चा यहां से आता है, इसने यहां रखा, फिर next time ये second potato के लिए आता है, यहां तक आता है, and then यहां से फिर वापिस जाता है और इसको वहां पर रख देता है. यानी first time में इसने 10 meters का distance cover up किया, नेक्स्ट टाइम इसने 6 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर अप किया, 10 + 6 = 16 कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट में और आता है, फिर 6 मीटर का डिस्टेंस और कवर अप करता है, और ये बात तब तक चलती रहती है जब तक वो पूरे के पूरे पोटैटोज नहीं डाल लेता. ठीक है, तो अब देखते हैं, हम लोग लिखते हैं, हम लिखते हैं यहां पे वी सी हियर the distance covered to pick one potato and not one potato, I'll be saying it as first potato. Pick first potato and put it in the bucket is 10 meter. Similarly, then क्या हो रहा है, then distance covered to pick and drop each subsequent हो गया मतलब next in sequence, तो subsequent potato is 6 meters more, so therefore distance covered makes an AP. क्यों AP बना रहे थे, हर बार वो 6 meter extra cover कर रहे थे, तो 6 meter more. So distance covered makes an AP whose A is equals to 10 meter, D is equals to 6 meter, and N is equals to ऐसे कितने potatoes हैं, ऐसे 10 potatoes हैं. So therefore total distance covered is 10 is equals to 10 upon 2 into 2 into 10 plus 10 minus 1 into 6, which is equals to 10 upon 2 as it is in energy, फिलहाल 20
प्लस 9 × 6। मैं जनरली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं कुछ चीजों को ऐसे लेके चलता हूं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको भी ये चीज समझ आ जाएगी। 20 + 54 = 10/2 × 74। नाउ ये डिवाइड कर देगा 74 को, वी विल गेट 37 एंड मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा। देयरफॉर SN is equals to 370 meters. This is the final answer for us. ठीक है, तो आप जरा देखें इसको, शाबाश, नोट करें, फिर मेरे से बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने इसको घर पे दोबारा से एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रॉमिस में करेंगे ना आप सब प्रैक्टिस। तो इसको आपने पूरी तरह से क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि ये क्वेश्चंस कभी भी आपको भूले ना। इस तरह के कभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको बड़े आराम से चुटकियों में कर पाए। तो आज इतने रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में आगे चलते हैं। बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।